लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा यार, मेरी वजह से मिलिट्री वालों और पुलिस वालों के बीच में बेमतलब के पंगे हो गए थे। बट एंड टाइम पे सब कुछ सॉर्ट हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर भाई जो फाइट होनी वाली थी वो फाइट टल गई। भाई अगर तुम लोग सोचो, एक तरफ मिलिट्री और एक तरफ पुलिस वाले अगर भिड़ जाते आपस में, भाई क्या तबाही मच सकती थी। बल्कि ये जो मिलिट्री कर्नल है वो तो मेरी तरफ से भाई पता नहीं कितनी सारी तोप लेके चला गया था, अलग अलग लेवल की मिसाइल्स, जिनसे एक ही बार में पूरा का पूरा लॉस सेंटोस ही खत्म हो जाता। उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले भी बहुत सारे आ गए थे, बट जैसे तैसे करके गाइस वो फाइट टल गई और लॉस सेंटोस बर्बाद होने से बच गया। खैर जो भी हो, अभी फटाफट से चलते हैं, कर्नल ने मुझे बुलाया था किसी काम से। क्या काम है सुबह सुबह? लेट्स चेक इट आउट, मिलिट्री कर्नल कहाँ है? ओके वो रहा। हेलो सर। हेलो, किस लिए बुलाया आपने सर सुबह सुबह? तो फ्रैंकलिन। यस सर। तुम्हें एक बहुत तगड़ी मिशन के लिए भेजने वाला हूँ मैं। क्या मिशन है सर? ज्यादा भी तगड़ा मिशन नहीं है। फिर भी मिशन क्या है सर? तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है। अरे सर, लास्ट टाइम पुलिस वालों से पंगे हो गए थे, मैं पुलिस स्टेशन गया था तो। अरे इस बार पंगे नहीं होगे, टेंशन मत लो। ओके ठीक है सर। तो देखो, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है। वहां से कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है सर नवंबर चल रहा है। हाँ, तो तुम्हें अक्टूबर के क्रिमिनल्स की फाइल लेकर आनी है। अक्टूबर महीने के क्रिमिनल्स की फाइल? बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में पूछना, किसी से भी मिल जाएगी फाइल, लेकर आओ फटाफट। ओके सर। जाओ जल्दी लेकर आना। ओके सर, अभी लेकर आया। चलो भाई चलते हैं लॉस सेंटोस के पुलिस स्टेशन और लेकर आते हैं अक्टूबर के क्रिमिनल्स की फाइल। लेकिन एक सेकंड भाई, मेरी जो जीप है वो कहाँ है? वो मैंने उधर पार्क की थी, अब वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा यार। टैंक भी है, देख रहे हो भाई, मिलिट्री बेस के अंदर भाई जो व्हीकल्स है, जो वेपन्स है, उनका कोई लेवल नहीं है। अलग अलग तरीके के टैंक मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके की मिसाइल्स मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके के फाइटर हेलीकॉप्टर फाइटर जेट, भाई सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे मैं सच बताऊं, अगर मिलिट्री और पुलिस वालों की कभी फाइट हुई ना भाई, वैसे होने तो नहीं वाली, लेकिन अगर कभी हुई तो डेफिनेटली भाई मिलिट्री वाले जीतेंगे आराम से, लेकिन तबाही मच जाएगी। खैर जो भी हो, अभी हमें जाना है। कहाँ जाना है? हाँ पुलिस स्टेशन जाना है, और वहां से अक्टूबर के क्रिमिनल्स की फाइल लेकर आनी है। चलो भाई। अरे लेकिन ये काम तो कर्नल भाई किसी को भी दे सकता था, मुझे ही क्यों दिया? चलो कोई नहीं, क्या ही करना है, गाड़ी ड्राइव करनी है, पुलिस स्टेशन जाना है और फाइल लेकर आनी है। बात दिक्कत मतलब पुलिस स्टेशन जाने में नहीं है, दिक्कत पुलिस स्टेशन से है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था गाड़ी ढूंढने के लिए, मिलिट्री वालों की स्पेशल कार जो चोरी हो गई थी उसको ढूंढने के लिए गया था यार, लफड़ा हो गया। अब फिर से मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कहीं दोबारा से लफड़ा ना हो जाए। लेकिन इस बार ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जाना है, फाइल पूछनी है भाई अक्टूबर के क्रिमिनल्स की, और लेकर आनी है फाइल बस। तो चलते हैं हम लोग फटाफट से पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला हूं मैं, आगे से लेफ्ट लेना है और फिर यहाँ से सीधे। ओके, ओ यहाँ पर एक मूवी थिएटर भी है। कौन सी फिल्म लगी है यार? भाई पोस्टर वोस्टर नहीं दिख रहा किसी मूवी का। द थ्री जेमिगोज, ये वाली फिल्म लगी है क्या? पता नहीं, छोड़ो। अभी चलते हैं फिलहाल पुलिस स्टेशन, बाद में आके देखेंगे भाई मूवी कभी फ्री टाइम में। ओके, तो आ चुके हैं गाइस पुलिस स्टेशन। सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी जो जीप है इसको साइड में लगाते हैं, और किसी भी पुलिस वाले से मुझे फालतू नहीं बोलना है, संभल के रहना है, पंगे हो जाते हैं यार बेमतलब के। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या लेने के लिए आया था मैं? एक सेकंड, अक्टूबर के क्रिमिनल की फाइल है पिछले महीने की। हेलो, आई एम ऑफिसर फ्रैंकलिन। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर स्टीव। मुझे फाइल चाहिए थी एक। हाँ, मिलिट्री बेस से कॉल आया था। अच्छा, कॉल आया था भाई? बिल्कुल, अक्टूबर के महीने की क्रिमिनल्स की फाइल चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, नीचे हमारा ऑफिसर है, वहाँ से मिल जाएगी फाइल। यहाँ पे नहीं है वो फाइल? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है। ओके, चलते हैं भाई नीचे। नीचे का रास्ता कहाँ से है? एक सेकेंड, अच्छा इधर से। ये तो रहा यार सीढ़ियाँ, नज़र तो आ रही है साफ साफ। ओके, कहाँ पर है कोई? कहाँ पर है भाई कोई? अरे ये तो जेल वेल की तरफ आ गया। हेलो ऑफिसर, हेलो ऑफिसर, हेलो ऑफिसर। आपका नाम क्या है? मैं ऑफिसर फ्रैंकलिन, मिलिट्री की तरफ से, और वो क्या कहते हैं, मैं अक्टूबर की फाइल लेने के लिए आया हूँ क्रिमिनल्स की। एक सेकंड, मैं ज़रा ढूंढ के निकालता हूँ। जल्दी निकालो भाई। ये वाली तो नहीं है, कहाँ होगी? अरे ढूंढो यार। एक सेकंड ऑफिसर फ्रैंकलिन, ढूंढ रहा हूँ मैं। जल्दी ढूंढो भाई, जल्दी से निकलते हैं भाई अक्टूबर की फाइल लेके। ओए सुनना तुम, इधर। कौन बोल रहा है ये? ओए इधर मैं। कौन भाई तू? हाँ पहचाना मुझे? पहचाना कौन है बे तू? मैं नहीं जानता तेरे को। अरे मुझे नहीं पहचाना, जरा सामने आओ। अबे कौन है बे? कैदी होके है मेरे को तू पहचान रहा? तू है कौन? अरे मैं तुम्हारा दोस्त।
कौन सा दोस्त भाई? अरे तुम मुझे भूल गए? अबे मैंने तुझे याद ही नहीं रखा तो भूल कहाँ से जाऊंगा? अरे तुम मुझे भूल गए फ्रैंकलिन? अबे ये तो मेरा नाम भी जानता है भाई। अरे नाम तो जानूंगा ही यार, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। बचपन का दोस्त? अरे मुझे पहचानो फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त। हम लोग बचपन में साथ साइकिल चलाया करते थे। बचपन में साथ साइकिल? कुछ क्लियरली याद नहीं आ रहा। अरे याद करो, हम लोग स्कूल जाते थे साइकिल से। मैं तो साइकिल से नहीं, मैं तो बस से जाता था। हाँ तो तुम्हारे पास साइकिल नहीं था ना भाई, तुमने बेच दी साइकिल, फिर उसके बाद तुम बस से जाने लग गए। अरे यार क्या बोल रहा है तू? अरे भूल गए, हम लोग बचपन में बहुत सारे गेम्स खेलते थे। अरे फ्रैंकलिन याद करो, याद करो। पता नहीं भाई, अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है। बहुत दुख हुआ यार ये जानकर कि तुम अपने बचपन के सबसे पक्के दोस्त को भूल गए। अरे लेकिन भाई मुझे याद ही नहीं है, तेरी शक्ल भी जानी पहचानी नहीं लग रही। अरे फ्रैंकलिन तुम मुझे भूल गए मुझे? अबे यार तू वैसे यहाँ पर कैसे भाई? चल ठीक है मान लिया तू मेरा दोस्त है, लेकिन तू यहाँ पर कैसे? अरे फ्रैंकलिन क्या बताऊँ, वो कल परसों यार एक छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ लिया। तू चोर बन गया? यार क्या करूँ, कुछ कर ही नहीं पाया मैं जिंदगी में, तो चोरी बनना पड़ा। यार प्लीज निकलवा दो मुझे यहाँ से। अच्छा यार लेकिन अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तू कब मेरा दोस्त था? अरे पूरा बचपन तुमने मेरे साथ गुजार दिया और कह रहे हो दोस्त कब था? ठीक है प्लीज निकलवा दो ना यार, प्लीज कुछ करो दोस्ती के नाते। अरे भाई पुलिस वाले भाई। मिल गए तुम्हारी अक्टूबर की फाइल, मिल गई यार ये रही। मैं जरा एक चीज पूछ रहा था। क्या? इस बगल वाले भाई ने क्या किया है? अरे चोरी करते हुए पकड़ा गया। छोड़ दोगे भाई? क्यों? अरे ये मेरा दोस्त है बचपन का। अच्छा हाँ भाई प्लीज छोड़ दो यार। ठीक है छोड़ देंगे। ओए टेंशन मत ले, तू बाहर आ सकता है, बात कर लिया मैंने पुलिस वालों से। थैंक यू फ्रैंकलिन मेरे दोस्त, थैंक यू। थैंक यू ऑफिसर फाइल के लिए। और दोस्त मेरे छूट चुका है जेल से, जा मजे कर। अरे यार तुम्हारा कैसे थैंक यू करूं फ्रैंकलिन, तुम ना होते तो मेरा क्या होता यार? अरे कुछ नहीं होता है यार, तू खुश रह मजे से जी अपनी जिंदगी, और अब दोबारा चोरी मत करियो। नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं चोरी करूंगा मैं। ठीक है ऑफिसर चलता हूँ मैं। पक्का ये अक्टूबर की फाइल है ना इसमें? अरे हाँ हाँ अक्टूबर की ही फाइल है, क्रिमिनल्स की पिछले महीने की। ठीक है चलते हैं फटाफट से, अपना काम तो हो गया गाइस, फाइल ही लेने के लिए आया था मैं और फाइल यहाँ पर मिल चुकी है। चलते हैं फटाफट से मिलिट्री बेस। पता नहीं यार लेकिन मेरे बचपन का दोस्त मिल गया यार, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, आज का दिन तो बढ़िया जाने वाला है लगता है। बताओ बचपन का दोस्त, मैं तो लिटरली मैं भूल ही गया उसे यार, मेरे को सीरियसली में कुछ भी नहीं आता उसके बारे में। वो बता रहा है हम लोग स्कूल जाते थे, खेलते थे बचपन में बहुत ज्यादा। होगा यार दोस्त, उसने मुझे याद रख रखा है अभी तक, क्या बात है। इसे कहते हैं ना भाई पक्के वाले दोस्त। चलते हैं फटाफट से मिलिट्री बेस। ओके तो यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं गाइस मिलिट्री बेस की तरफ। एक सेकेंड, अरे अरे यार मेरी जीप, मिलिट्री ऑफिसर बन गया हूँ मैं फिर भी मेरी जीप कंट्रोल करने की आदत देखो भाई, ऐसे ऐसे कौन ड्राइव करता है जीप को? लेकिन मैं ऐसे ही आड़ा टेढ़ा इधर उधर ठोकते ठाकते ही ड्राइव करता हूँ। कभी कभी तो एकदम इनसेन चलाता हूँ मैं गाड़ी, कभी कभी एकदम कबाड़ा गाड़ी चलाता हूँ मैं। फिलहाल पहुँच चुके हैं हम लोग मिलिट्री बेस, जो फाइल लेकर आनी थी वो फाइल लेकर आ चुका हूँ मैं। ओके फटाफट से जाके और कर्नल को ये फाइल सौंप देते हैं हम लोग। हेलो कर्नल भाई, ये रही फाइल, फाइल लेकर आ गया मैं। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, लाओ। ये रही सर फाइल, काफी जल्दी लेकर आ गए। हाँ वो थोड़ी तेज भगाई मैंने जीप। अब जरा यार कुछ न्यू वेपन्स आए मिलिट्री बेस के अंदर, उनकी टेस्टिंग कर लो। अच्छा ठीक है, कहाँ पर ये वेपन्स? बिल्कुल सामने वाले वेयर हाउस में। ओके सर ओके, चलो भाई न्यू वेपन्स की टेस्टिंग कर ली जाए, सामने फ्रंट वाले वेयर हाउस में चलते हैं जरा, कौन से नए वेपन्स आए हैं भाई टेस्टिंग के लिए। भाई मैं कह नहीं रहा, यहाँ पर हर रोज अलग अलग तरीके के वेपन्स, नए नए व्हीकल्स डेवलप होते रहते हैं। कहाँ पर है वेपन्स? ओह वो रहे। ओ भाई साहब ये देखो, ये रही वेपन की क्रेट, साथ ही साथ ये कुछ न्यू वेपन्स आए हैं, लेट्स ट्राई दिस। फटाफट से एक वेपन निकालते हैं, बहुत सारे वेपन निकालने हैं मैंने। ओके नया कौन सा? अच्छा ये नया है, क्या नाम है इसका? कार्बाइन राइफल। ठीक है वेपन तो। ओ रेट ऑफ फायर काफ़ी अच्छा है इसका। इसके अलावा एक ये नया वेपन है, एडवांस राइफल। ओके ओ इसकी भी काफ़ी अच्छी है फायरिंग की स्पीड तो, नाइस यार, बल्कि सबसे अच्छी इसी की है। इसके अलावा कुछ और राइफल्स है क्या? ओ कॉम्पैक्ट राइफल, काफ़ी छोटे साइज की राइफल है ये।
ओके, आवाज ज्यादा कर रही है भाई, ये साइलेंट नहीं है ज्यादा। फटाफट से मैं सारे वेपन्स की टेस्टिंग कर लेता हूँ यार। तो लगभग सारे वेपन्स की टेस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है और आई गेस सारे वेपन्स एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जाकर फटाफट से मिलिट्री कर्नल को ये रिपोर्ट भी मैं दे देता हूँ। भाई कितने सारे अनोखे काम है यार मिलिट्री बेस के अंदर, मजा ही आ जाता है कभी कभी। तो चलते हैं मिलिट्री कर्नल के पास और बता देते हैं सारे वेपन्स है परफेक्ट। मिलिट्री कर्नल कहाँ गया भाई, अभी तो यहीं पर था। ऑफिसर ये मिलिट्री कर्नल कहाँ है? अंदर रूम में। अच्छा ठीक है, कौन से वाले रूम में ये भी बता देता भाई, इस वाले रूम में, ट्रेनिंग रूम। चलते हैं। ओए वेट, अबे ये तो, अरे सामने वाला तो वही है मेरा दोस्त बचपन का, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पता नहीं भाई, कर्नल से कुछ तो बात कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जेल से छूटते ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। देखो भाई तुम लोग एक बार ध्यान से देखो, ये वही है पीली टी शर्ट और पीली पैंट में जो अभी मुझे जेल के अंदर मिला था और जो मुझे अपने बचपन का दोस्त बता रहा था। जरा एक सेकेंड ध्यान से सुनते हैं ये क्या बात क्या कर रहे हैं। अरे सर मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ थोड़ी ना बोलूंगा सर, सर मैं सच बता रहा हूँ, पुलिस वाले बहुत खतरनाक प्लानिंग में हैं, वो किसी भी वक्त मिलिट्री बेस पर अटैक कर सकते हैं सर। अरे लेकिन पुलिस वाले क्यों अटैक करेंगे? वो तो पता नहीं सर, पुलिस वाले ही जाने, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक कोशिश करने वाले हैं और मिलिट्री बेस पर पूरा अटैक करेंगे और मिलिट्री कर्नल को भी मारने की बात कर रहे थे सर, बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है। क्या बकवास कर रहे है ये, पुलिस वाले अटैक करने वाले हैं मिलिट्री बेस पे, खतरनाक अटैक होने वाला है सर। और तो और पुलिस वाले तो ये भी कह रहे थे कि सबसे पहले कर्नल की खोपड़ी उड़ाएंगे सर। सर ये पक्की खबर है सर, मैंने खुद सुना। हाँ यार सुना हो सकता है क्योंकि ये जेल के अंदर ही तो बंदा, बढ़िया बंदा निकला यार मेरे बचपन का दोस्त, तो सही किया लगता है मैंने इसे जेल से छुड़ा के। ओके चलते हैं। सर मैंने वेपन्स की टेस्टिंग कर ली। और भाई मेरे दोस्त कैसा है तू? बढ़िया हूँ मैं फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन तुम इसे जानते हो? अरे ये बस सर मेरे बचपन का दोस्त है, आज ही मिला मुझे। ये तो बहुत कुछ बता रहा है यार फ्रैंकलिन। हाँ सर मैंने सुना ये पुलिस वाले कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो सर, देखते हैं, हम लोग भी कम थोड़ी ना है, पुलिस वालों से ले लेंगे पंगे, डरते थोड़ी ना, हमारे पास भी बहुत सारे वेपन्स हैं। जो नए वेपन्स आए हैं सर मैंने टेस्टिंग कर लिए, परफेक्ट है। लेकिन तुम्हारी ये रिपोर्ट परफेक्ट नहीं है। मतलब फ्रैंकलिन जरा बाहर जाओगे तुम? ओके सर। ये अक्टूबर की रिपोर्ट मंगाई थी, सितंबर की फाइल है। अच्छा यार फ्रैंकलिन एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाए। सर लेकर आता हूँ अब अक्टूबर की, ध्यान से लेकर आना। नहीं मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने उनसे कहा कि भाई पक्का ही अक्टूबर की है, उन्होंने कहा हाँ मैं लेकर आ गया। इस बार याद से अक्टूबर की लेकर आना, वापस से किसी और महीने की मत लेकर आ जाना। नहीं सर मैं इस बार अक्टूबर की क्रिमिनल्स की फाइल लेकर आऊंगा। अबे यार ये पुलिस वाले भी एक नंबर के बेवकूफ है। वैसे यार ये पुलिस वाले लिटरली मैं अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये मेरा जो बचपन का दोस्त मिला है ये तो ऐसा ही कुछ कह रहा है, पता नहीं अब ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन एक सेकंड ये झूठ भी क्यों बोलेगा यार, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, क्या सीन चालू है। पहले तो चलते हैं यार अक्टूबर की फाइल लेकर आते हैं पुलिस स्टेशन से। ये फाइल नहीं पता नहीं क्या ही हो गया यार, दो दो बार चक्कर लगाना पड़ रहा है एक फाइल के लिए। ये पुलिस वाले भी ढंग से फाइल नहीं दे सकते क्या मेरे को? दिमाग खराब कर दिया है। चलो भाई दोबारा फाइल लेने के लिए, अब एक फाइल के लिए कोई दो बार चक्कर काटता है क्या? वो भी उतनी दूर मिलिट्री बेस, इतना दूर पुलिस स्टेशन, बताओ यार। और एक तो मेरी ड्राइविंग तुम लोग जानते ही हो, क्या एपिक ड्राइविंग करता हूँ मैं भाई, सब दिमाग खराब हो गया यार। अरे भाई क्या कर रहा है यार ऑफिसर स्टीव, इंस्पेक्टर स्टीव, भाई कोई बात होती है? क्या हो गया भाई, क्या हो गया क्या यार? तुम लोगों से अक्टूबर की फाइल मांगी थी, तुम लोगों ने सितंबर की दे दी। अच्छा इस बार मैं खुद चलता हूँ, आप नीचे जाओ, मैं अभी आता हूँ, आपको अक्टूबर की फाइल ढूंढ के देता हूँ मैं। हाँ यार क्रिमिनल की फाइल तुम लोग इधर उधर कर रहे हो, दिमाग खराब कर रखा है। अरे सर मेरी बात का सच में विश्वास करो, मिलिट्री वाले अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ से आवाज आ रही है, इधर से? सर सच में? अरे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार। सर ऐसा ही है सर, मैंने खुद देखा है, मिलिट्री वाले बहुत प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। अबे एक सेकंड, ये तो वही है मेरा दोस्त, मतलब सो कॉल्ड दोस्त बचपन का। अबे लेकिन ये यहाँ पर कैसे? ये तो अभी मिलिट्री बेस में था ना भाई, मिलिट्री वालों से कह रहा था कि पुलिस वाले अटैक करना चाह रहे हैं, और पुलिस वालों से कह रहा है कि मिलिट्री वाले अटैक करना चाह रहे हैं, भाई इसका इरादा क्या है? एक सेकंड, ये मेरा दोस्त है भी कि नहीं है? आई हैव नो आइडिया भाई, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, सीरियसली में भाई कुछ तो गड़बड़ है यार।
पहले ये मिला मेरे को जेल के अंदर, खुद को मेरा दोस्त बता रहा था। चलो मान लिया बचपन का दोस्त होगा, मैं भूल गया हूँ, इसने मुझे याद रखा, मैंने छुड़ा दिया जेल से। लेकिन फिर मिलिट्री बेस गया तो वहाँ ये मिलिट्री के कर्नल से कह रहा कि पुलिस वाले अटैक करने की फिराक में और कर्नल को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये पुलिस वालों से कह रहा है कि कर्नल इन पे अटैक करने की कोशिश करने वाला है। मतलब मिलिट्री वालों के जाके कान भर रहा है, फिर पुलिस वालों के जाके कान भर रहा है, करना क्या चाह रहा है ये बंदा? सर मेरी बात का विश्वास करो, वहाँ का जो कर्नल है ना, सबसे पहले आपको ही उड़ाने की सोच रहा है। बल्कि मैंने तो ये भी कहते हुए सुना कि सबसे पहले आपकी खोपड़ी उड़ाएगा और फिर सारे पुलिस वालों को खत्म करेगा। अरे तो हम लोग कम थोड़ी ना यार, आने दो उस कर्नल को, तबाही मचा देंगे। सर उस कर्नल ने आपको खुली धमकी दी है और कह रहा है कि आ जाओ दम है तो डेजर्ट वाले रनवे पर। डेजर्ट वाले रनवे? ठीक है, हम लोग भी पहुंच जाएंगे अपनी पूरी फौज लेके। डरते हैं क्या? वही तो सर, वो तो कह रहा है कि बहुत तगड़े वेपन्स लेकर आएगा वो कर्नल डेजर्ट वाले रनवे पे। तो हम भी तगड़े वेपन्स लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अबे यार ये तो दोनों को लड़वा रहा है यार, सीरियसली में मिलिट्री वालों को और पुलिस वालों को आपस में लड़वा रहा है भाई। लेकिन ये है कौन और ये क्यों कर रहा है ऐसा? पता नहीं, मिलिट्री कर्नल से जाके बात करनी पड़ेगी, या फिर बात छोड़ो, मैं इस बंदे का पीछा करने वाला हूँ। यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है इस बंदे में सीरियसली में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस बंदे के सामने नहीं जाऊंगा, यहीं पर छुपे रहते हैं। जब ये बंदा यहाँ से निकलेगा जाकर इसका पीछा करेंगे। रुको भाई। ठीक है सर, मैंने तो आपको बता दिया जो मुझे बताना था, अब मैं चलता हूँ। तुमने बहुत ही बढ़िया किया ये बता के, अब तो मिलिट्री वाले गए, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यस सर, बिल्कुल छोड़ना मत। अब होगी बहुत तगड़ी फाइट मिलिट्री वर्सेस पुलिस की। जो मैं चाहता था वो मैंने करके दिखा दिया। जाके इन सब के बारे में बॉस को बताता हूँ। बॉस को पता चलेगा तो बॉस बहुत ज्यादा खुश होंगे और मुझे शाबाशी भी देंगे। चलो बॉस को जाके सारी खुशखबरी दे देता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा। किसी ने सुन लिया तो इधर जाके बताऊं क्या? नहीं नहीं, इधर कोई सुन सकता है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और आगे। कोई पीछा तो नहीं कर रहा ना मेरा? नहीं नहीं, चलते हैं आगे। चलो चलो भाई, वो गया बाहर। मैंने उसे इधर की साइड जाते हुए देखा यार, जल्दी से उधर आगे से उसने लेफ्ट लिया है। पीले कपड़ों में है, आराम से दूर से भी दिख जाएगा। चलो 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 उसका पीछा करते हैं, पीछा फटाफट, लेट्स डू दिस गाइस। वो चाहता क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो रहा सामने की तरफ जा रहा है। इसका पीछा करते हैं। मुझे तो लग रहा है ये कुछ तो खतरनाक करने की प्लानिंग में है भाई, सीरियसली में। एक तरफ मिलिट्री वालों से जाके कह रहा है कि पुलिस वाले अटैक करने वाले हैं, दूसरी तरफ पुलिस वालों से जाके कह रहा है कि मिलिट्री वाले अटैक करने वाले हैं। फिलहाल ये जा कहाँ रहा है? चलते हैं इसका पीछा करते हैं फटाफट, आराम से पता ना चल जाए इसको कि मैं इसके पीछे हूँ। छुप छुप के जाना पड़ेगा भाई आराम से। जा कहाँ रहा है ये? किसी से मिलने जा रहा है क्या? पता नहीं कहाँ जा रहा है। चलते हैं इसके पीछे ही आराम से। तुम लोग जाकर गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करो भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस मोड पे पहुंच चुकी है भाई ये सिचुएशन। ये बंदा कौन है सबसे पहले तो ये पता करना है। और इसने भाई मतलब मेरा नाम कैसे इसने पता लगा लिया है? डायरेक्ट कह रहा कि फ्रैंकलिन तुम मुझे भूल गए, तुम मेरे बचपन के दोस्त तो हैं। अरे एक सेकंड, मैंने खुद वहां पर बोला था हेलो मैं हूँ ऑफिसर फ्रैंकलिन और मुझे अक्टूबर के क्रिमिनल्स की फाइल चाहिए। अच्छा इसने वही सुन लिया होगा। अरे यार पहले ही जाके मुझे नाम बोलना जरूरी होता है क्या? वही गड़बड़ हो गई भाई सारी की सारी। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है ये नहीं है मेरा दोस्त भाई, पक्का मैं 100% श्योर हूँ ये मेरे बचपन का दोस्त हो ही नहीं सकता है। ये मुझे लग रहा है कोई तो टेररिस्ट वेरिस्ट है, या तो कुछ तो खतरनाक इसके इरादे हैं भाई। जा कहाँ रहा है ये? अभी यही नहीं पता चल रहा भाई, पीछा कर रहा हूँ मैं कब से। जाए जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाके मानेगा ये। अरे भाई सब कहाँ जा रहा है ये? एक बंदा भाई पूरी मिलिट्री और पुलिस को आपस में लड़ा रहा है। और कहाँ बोले इसने? डेजर्ट वाले रनवे पर चले जाओ, मिलिट्री वाले वेट कर रहे हैं। इसका मतलब इसने सेम चीज मिलिट्री वालों से भी कही है कि डेजर्ट वाले रनवे पर चले जाओ, पुलिस वाले वेट कर रहे हैं। और फिर पुलिस वालों से आके कह रहा है कि डेजर्ट वाले रनवे पर चले जाओ, मिलिट्री वाले वेट कर रहे हैं। कहाँ गया वो? आगे की तरफ गया लगता है, उस दीवार के पीछे। किधर? ओ फोन कर रहा है किसी को लगता है। यस फोन कर रहा है, जरा सुनते हैं इसकी बात। हेलो बॉस। हाँ बॉस, काम बढ़िया तरीके से हो गया है और अब आपका सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बॉस मिलिट्री वालों को भी मैंने पुलिस वालों के खिलाफ भड़का दिया है और पुलिस वालों को मिलिट्री वालों के खिलाफ भड़का दिया है। अब होगा इससे कि मिलिट्री वाले और पुलिस वाले करेंगे आपस में फाइट,
और हमारी गैंग कर लेगी पूरे लॉस सैंटोस पर कब्जा, क्योंकि हमेशा जब भी हमारी गैंग ने कब्जा करने की कोशिश की है या तो पुलिस वाले बीच में टांग अड़ा देते हैं या तो मिलिट्री वाले। लेकिन इस बार तो मिलिट्री और पुलिस आपस में ही भिड़ जाएगी, तो हमारी गैंग का कब्जा करना बहुत ही आसान होगा। हमें कोई भी कब्जा करने से नहीं रोक सकता। एक बार डेजर्ट वाले रनवे पर फाइट शुरू होने की देर है, वहां पर फाइट शुरू होगी। बस लॉस सैंटोस में जहां जहां भी पुलिस वाले और मिलिट्री वाले हैं सारे आपस में भिड़ जाएंगे और हम लोग लॉस सैंटोस पर राज करेंगे। राज, रखता हूँ मैं फोन बॉस। ओ हेलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसा है तू? फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे? हाँ भाई, देर से मन किया यार मिलने का, बस आ गया मैं। अरे यार वो क्या बचपन के दोस्त है यार, चलो खेलते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, पहले तो ये बता बे तूने मेरे को बचपन का दोस्त बोला कैसे है? फ्रैंकलिन कैसी बात करो, भूल गए मुझे? तेरी ऐसी की तैसी, निकल। तू ये बता सबसे पहले कि तू चाहता क्या है? अरे फ्रैंकलिन यार, तुम तो दोस्त हो मेरे, बचा क्यों रहे हो यार? पहले ये बता तू है कौन सी गैंग का मेंबर, तू चाहता क्या है? बोल बे, बोल सब कुछ सच सच बोल, वरना तो भाई तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं यहीं पे तेरे को मार डालूंगा भाई, मेरे पास वेपन्स ही वेपन्स है। जल्दी से सारा का सारा सच उगल दे। तेरी ऐसी की तैसी, बोल सच, बोल बे सच, बोल सच, बोल भाई वेपन था इसके पास, सच बोल बे, सच सच बोल, सच सच। अरे फ्रैंकलिन सच बोल। तेरी नाटक करवा दूं तुझे मैं? मेरे को पता नहीं है तू मरा नहीं है, बेहोशी का नाटक करा। उठ उठ बे उठ। अबे यार लगता है बेहोश हो गया भाई, ये टपक गया। अबे यार लगता है टपक गया यार, मुझे लग रहा है गाइस ये नाटक कर रहा है भाई, बहुत खतरनाक बंदा है ये, हल्के में नहीं ले सकते, अभी देखना उठेगा ये। लगता है गया बेहोशी का नाटक मेरा यहाँ भी काम आ गया। तो कहाँ जा रहा है भाई मेरे दोस्त? अरे कहाँ जा रहा है भाई तू? तुम यहीं पे हो अभी? बेटा हल्के में मत ले, ऐसा नाटक रोज मेरे सामने हजारों क्रिमिनल्स करते रहते हैं, समझ में आ रही है बात? अब तू फटाफट से बता तू है क्या और चाहता क्या था, फटाफट से सच उगल दे जल्दी से। अरे वो हमारी एक गैंग है जो नॉर्थ यंगटन में है। अच्छा, और हम लोग काफी दिनों से लॉस सैंटोस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री वाले और पुलिस वाले हमें करने नहीं दे रहे थे। तो तुम लोगों ने सोचा कि मिलिट्री और पुलिस को आपस में ही लड़वा देते हैं? बिल्कुल। और फिर कब्जा कर लेंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? जहाँ जा बेटा तू जा रहा था ना, वहाँ वहाँ मैं भी और मेरी किस्मत मुझे वहाँ ले जा रही थी, और हर बार मुझे तेरी आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी और तेरी बातें भी। इसी वजह से बेटा तू पकड़ा गया। मुझे तो शुरुआत से ही शक था कि भाई मेरी याददाश्त बहुत तगड़ी है और मैं अपने बचपन के दोस्त को भूल गया है बे, और नाटक भी कैसे कर रहा है बचपन का दोस्त है बे, तू है मेरे बचपन का दोस्त, ले लात खा तू। और ये बता तूने मिलिट्री वालों को कितने बजे भाई पहुंचने के लिए कहा है डेजर्ट रनवे? 12 बजे। 12 बजे भाई, 11 बज रहे हैं यार, वो लोग तो डेजर्ट रनवे पहुंचते भी होंगे। तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, ये ले पैर पे ही मारूंगा गाइस, क्योंकि मिलिट्री वालों के सामने इसे जिंदा पेश करना है, तभी तो भाई मिलिट्री वाले और पुलिस वाले शांत होंगे, क्योंकि वो लोग भी भेड़े पड़े होंगे भाई। 12 बजे, 12 बजने से बल्कि पहले मुझे पहुंचना होगा यार डेजर्ट वाले रनवे। सबसे पहले तो मैं अपनी जीप लेकर आता हूँ। बताओ भाई, नॉर्थ यंगटन की एक गैंग का बंदा आके मिलिट्री और पुलिस को आपस में भिड़ा रहा है, कोई बात होती है ये? कोई बात नहीं, मुझे इस फाइट को रोकना होगा भाई, वरना सीरियसली में बहुत तबाही मच जाएगी। लास्ट टाइम भी एक ऐसी फाइट होने वाली थी मेरी वजह से, और इस बार भी मेरी वजह से ही होगी यार ये फाइट, क्योंकि लिटरली में ये तो जेल के अंदर बनता, लेकिन इसने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, मैंने छुड़वा दिया जेल से और बस ये कांड कर दिया, वरना तो सीधा साधा जेल में बनता, छुड़ाना ही नहीं चाहिए था इसे। चलो इसे गाड़ी पे रखते हैं और निकलते हैं डेजर्ट वाले रनवे, क्योंकि वहाँ पर भाई 12 बजे फाइट होने वाली है पुलिस वर्सेस मिलिट्री। वो लोग फिर से बहुत सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके पहुँचे होंगे। इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो हम लोग तेज़ी से निकलते हैं भाई, शॉर्टकट से जाने वाला हूँ मैं। कहाँ से? गवर्नमेंट फैसिलिटी के रास्ते वाले से चला जाता हूँ मैं, वो थोड़ा शॉर्टकट है। चलो 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 भाई, क्या यार ये एक बंदा आके बताओ पुलिस वर्सेस मिलिट्री की फाइट करवा दे रहा है, कोई बात होती है भाई ये? सीरियसली में यार कोई बात होती है ये? जो भी हो अभी हमें फाइट रोकनी पड़ेगी, सबसे मेन यही चीज़ है, और मुझे सबसे पहले जल्द से जल्द डेजर्ट के रनवे पहुँचना होगा यार। हाँ भाई, अगर वहाँ नहीं पहुँचा तो फाइट शुरू हो जाएगी एक बार, तो फाइट के बीच में जाके फाइट रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, फाइट शुरू होने से पहले ही मुझे रुकवानी होगी, और इसके लिए मुझे जल्द से जल्द डेजर्ट रनवे पहुँचना होगा।
एक काम करो भाई, तुम लोग जाकर फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ गाइस, ये सभी का भी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं निकलता हूँ फटाफट से डेजर्ट वाले रनवे की तरफ, लेट्स गो फुल स्पीड। अरे पुलिस वालों, मिलिट्री वालों, रुक जाओ, मत करना भाई फाइट, मत करना बिल्कुल भी, रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं भाई। यार लेट ना पहुंचू, ओ शिट, 12 बज गए यार, जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ वोरा डेजर्ट का रनवे, लगता है फाइट नहीं होने वाली यार, मामला शांत हो गया मेरे आने से पहले। या वेट, फिर उधर गाड़ियां नजर आ रही हैं क्या वो? अरे भाई उधर सीरियसली में कितनी सारी मिलिट्री और पुलिस की गाड़ियां हैं। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फाइट फाइट नहीं फाइट नहीं फाइट नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। अरे भाई साहब कितने सारे पुलिस वाले, कितने सारे मिलिट्री वाले, और मिलिट्री वाले अटैक। और रुक जा, अटैक किस बात का अटैक भाई, ओए हाथ नीचे कर। फ्रैंकलिन हट जाओ बीच में से। अरे सर मेरी बात सुनो, हट जाओ बीच में से। अरे सर हट जाओ मैंने कहा। अरे सर इतना 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 जोश ठीक नहीं है, 2 मिनट रुको। अरे ओए बीच में क्यों आ रहे, फाइट बराबरी से होगी। अरे पुलिस वाले सर रुक जाओ 2 मिनट। ओए पुलिस को धक्का देता अटैक। अरे सर रुक जाओ सर। अरे यार सर अटैक। अरे रुक जाओ, नहीं नहीं अटैक नहीं, और रुक जाओ रुक जाओ, गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर मेरी बात सुन लो आप, पहले मेरे को पीटना बाद में। क्या हो गया? पहले दो मिनट रुको। क्या कहना चाहते हो फ्रैंकलिन अपनी सफाई में? सफाई नहीं देना चाहता मैं, मेरी बात सुनो। मिलिट्री पुलिस भाई दोनों के दोनों, मेरी बात सुनो भाई, कितने आए हैं यार। क्या बोलना क्या चाहते हो तुम? एक सेकंड बस मेरी बात सुन लो, पहले अपनी दोनों आर्मी को शांत करवाओ। रुक जाओ ऑफिसर्स, रुक जाओ, अभी अटैक नहीं करना है। सर आप भी थोड़ा। लेकिन फ्रैंकलिन। सर एक सेकंड थोड़ा शांत करवा दो। ओके रुक जाओ मेरी आर्मी, रुक जाओ। हाँ बोलो क्या? सर जरा बीच में आओ, बीच में। लेकिन क्यों? सर जरा आओ तो सही, और आप भी आओ पुलिस, सर आप भी आओ, इधर आओ सबके सब। क्या है फ्रैंकलिन बोलो? तो बात यह है कि आप लोग फाइट क्यों कर रहे हो? अरे यार ये हम पर अटैक करने वाला था। तुम हम पर अटैक करने वाले थे, झूठ मत बोलो। अरे नहीं तुम अटैक करने वाले थे। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अटैक करने वाला था? तो तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अटैक करने वाला था? अरे एक बंदा आया था पीले कपड़ों वाला। मेरे पास भी एक बंदा आया था पीले कपड़ों वाला। और वो बंदा ये है, मैं इसे दबोच के लाया हूँ, ये रहा बेहोश पड़ा है मेरी गाड़ी पे। क्या? बिल्कुल लाता हूँ सर। ये जो मरियल सा टैटू वाला सूखा सा बंदा आप लोग देख रहे हो, यही है इस सारी फसाद की जड़। कैसे? ये एक्चुअली में एक गैंग के लिए काम करता है, और उस गैंग ने मेनली आप दोनों को और आपकी आर्मीज को लड़वाने के लिए भेजा था। सिंपली उनका मकसद ये था कि आर्मी वर्सेस पुलिस हो जाए, और आर्मी वाले पुलिस वालों से फाइट करने लग जाए, पूरे लॉस सैंटोस में तबाही मच जाए, और इनकी गैंग आके लॉस सैंटोस पर कब्जा कर ले। क्या? बिल्कुल। अरे सच में ऐसी बात थी? बिल्कुल सर, ये जब होश में आएगा तो आपको मैं खुद बताऊंगा। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती आज हमसे। वही तो सर, एंड टाइम पे आ गया, वरना तो आज तबाही मची जाती। और ये अपने इरादों में कामयाब हो ही जाता। वही तो, क्योंकि एक बार फाइट शुरू होने के बाद रोकना नामुमकिन था। जरा एक बार देखो तो क्या क्या हथियार, क्या क्या वेपन्स है। तुम लोगों को मैं ड्रोन से दिखाता हूँ भाई, जरा देखो, टैंक देखो, ये जीप देखो जिसके ऊपर डबल डबल मशीन गन्स लगी पड़ी हैं, फिर आगे भी गन्स हैं, फिर ये मिसाइल्स। पिछली बार ये 4 लेकर आया था, इस बार सीधे 6 लेकर आ गया है। लॉस सैंटोस के साथ साथ आजू बाजू वाले पूरे के पूरे आइलैंड्स को भी उड़ाने का इरादा था। यहाँ पर पुलिस वालों को देखो, इतने सारे पुलिस वाले, साथ में इनकी वैन्स, इतनी तगड़ी तगड़ी SUVs, और साथ में ये इसके अंदर वेपन्स भरे पड़े होंगे। अरे भाई आज तगड़ी वाली मिलिट्री वर्सेस पुलिस की फाइट हो जाती, बट बीच में आके मैंने सारी की सारी फाइट को रोक दिया। तो इसी के साथ फाइट खत्म सर। अरे बिल्कुल खत्म यार। अरे मेरी तरफ से भी फाइट खत्म। ऑफिसर्स शांत हो जाओ। हाँ ऑफिसर्स शांत हो जाओ, अब फाइट नहीं हो रही है। तो चलो सर बात खत्म करो फिर। तो हैंडशेक करो सर, और फाइट को यहाँ पर खत्म किया जाए। ओके तो इसी के साथ फाइट यहाँ पर खत्म होती है। बाकी गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस करके यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और क्या तुम लोगों को लगा था भाई आज मिलिट्री वर्सेस पुलिस के लिटरली में फाइट हो जाएगी? मेरे को तो लगा था भाई, वो तो एंड टाइम पे हमारी किस्मत ने साथ दे दिया, सही टाइम पे आ गए और फाइट यहाँ पर रुक गई। वैसे फ्रैंकलिन अक्टूबर के क्रिमिनल्स की फाइल? अरे यार अभी फाइल लाना बाकी है, एक फाइल के लिए अब तीसरा चक्कर लगाना पड़ेगा। परेशान हो गया हूँ मैं फाइल्स की वजह से तो।